क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं मुझे, बेसिकली एक कौन सा टॉपिक ये जान लेना पहले है कि जितने भी रिसेप्टर्स थे मोस्ट ऑफ द 90% जो रिसेप्टर्स होते हैं वो तब एक्टिव होते हैं जब सिग्नल मॉलिक्यूल उससे क्या होता है सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है। बट कुछ रिसेप्टर ऐसे भी होते हैं इन द अब्सेंस ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसा ये एचआईवी वायरस। यहाँ पे तो बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कहा नेगेटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशन। देखिए नेगेटिव वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जब नेगेटिव वाइब्रेशन का जब इन द ऑप्शंस ऑफ एथाइलीन, जब एथाइलीन नहीं है तो रिसेप्टर क्या होगा एक्टिव होगा। जब पॉजिटिव वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव इससे जुड़ा हुआ है कि ये अगर इसकी प्रेजेंस है एथाइलीन वहां प्रेजेंट है तो इसके रिसेप्टर पे क्या असर पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेगेटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो मैंने बताया फिर जीपीसीआर पढ़ा हुआ जी तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल या हार्मोन्स की प्रेजेंस में वो क्या होते हैं एक्टिव। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन बाइंड करता है तो इंसुलिन रिसेप्टर क्या होता है एक्टिव। बट यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा है, इस बात को ध्यान रखना। अभी आपको फिगर के द्वारा बताता हूँ, पहले ड्रॉपिंग थोड़ा बता दूँ कि नेगेटिव रेगुलेशन कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एथाइलीन, जब एथाइलीन नहीं रहेगा तो वर्ग जो होगा वो निगेटिव रहेगा, मतलब एथाइलीन का जो मेन फंक्शन है फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग, तो फ्रूट राइपनिंग नहीं होगा तो निगेटिव वर्क हो रहा है। तो देखिए इन द अब्सेंस ऑफ एथाइलीन, एथाइलीन नहीं है तो प्लांट के अंदर जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग नहीं होगी, सुना ना, जो उसका मेन एंजाइम है सेल्युलोज एंजाइम है पेक्टिनेज है जो वॉल को डिजॉल्व करता है, फ्रूट की जो वॉल होती है सॉफ्ट होती है तभी तो क्या होता है राइपनिंग होता है, तो वो नहीं होने पाता है। इसका मतलब एंजाइम जो उसके लिए जो मैसेंजर आने हैं जो एंजाइम बनना है वो क्या होते हैं एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो जो वर्क उस समय चलेगा वो कैसा चलेगा निगेटिव वर्क चलेगा, है ना, देखिए निगेटिव रेगुलेशन चल रहा है, यानी तब जब कौन एब्सेंट है इन द एब्सेंस ऑफ एथाइलीन, ये बात आपको ध्यान रखना है। आया स्टेटमेंट कि एथाइलीन वर्क एज ए पॉजिटिव रेगुलेटर और निगेटिव रेगुलेटर, ये दोनों तरह से काम करता है, पॉजिटिव भी काम करता है निगेटिव भी काम करता है, तो जो रिसेप्टर ये पाया था ना एथाइलीन रिसेप्टर, ये क्या होगा निगेटिव वर्क काम करेगा, मतलब उनको एक्टिवेट करेगा जो फ्रूट राइपनिंग को क्या करेंगे रोकना चाहते हैं, वैसे को समझ आ रही है कि नहीं। लेकिन जब एथाइलीन काम करेगा, एथाइलीन ये बता ही रहा है पहले कि एथाइलीन क्या है फ्रूट राइपनिंग करवाता है, तो उन चीजों को एक्टिवेट करेगा जो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करेंगे। अब फ्रूट राइपनिंग के लिए जरूरी क्या है एंजाइम सेलुलेस, तो उसकी वॉल को क्या करे ठीक ना सॉफ्टनेस है कि नहीं, ग्रीन देखिए उसकी वॉल कैसी होती है, पहले हार्ड होता है मैंगो का फूड जो होता है कैसा होता है हार्ड होता है, लेकिन जैसे जब राइपनिंग स्टार्ट होता है तो येलो कलर का हो जाता है, फिर जो आपका स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना मास्टर। तो ये सारे फंक्शन को क्या करेगा प्रमोट करेगा। अभी आप देखेंगे आप एक चीज जान लेना चाहिए कि चाहे कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल इवन हार्मोन्स उसके दो ही वर्क होते हैं बेसिकली, या तो सेल सरफेस से बाइंड किया इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट किया, तो या वो क्या करेगा किसी इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, है ना, मान ली कोई इनएक्टिव प्रोटीन है सेल के अंदर उसको एक्टिवेट करेगा, या फिर क्या करेगा उस प्रोटीन की क्या करेगी सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसका मतलब अगर इनएक्टिव प्रोटीन है तो साइटोप्लाज्म हो सकती है, न्यूक्लियस के अंदर हो सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई पंप हो सकता है हाइड्रोजन पंप कैल्शियम पंप कोई भी हो सकता है, उसको क्या करेगा एक्टिवेट कर देगा, मेरी बात है ना। एक काम तो ये हो गया कि अगर इनएक्टिव कोई चीज उसको क्या कर दे एक्टिव कर दे, दूसरा काम करता है प्रोटीन बन ही नहीं रही वहां पे उसकी डिफिशियंसी है और उसको बनाने के लिए इसके पास कहां जाना पड़ेगा न्यूक्लियस डीएनए के पास जाएगा, ना वहां पर किसको एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब एक्टिव होगा तो उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा जो प्रोटीन बनानी है जीन ट्रांसक्राइब होगा, फिर क्या होगा ट्रांसलेशन होगा, फिर क्या होगी प्रोटीन। इसका मतलब जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल है, और सिग्नल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, हार्मोन्स भी सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह से, केमिकल कंपाउंड भी सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता रहता है, प्रॉपर्टी बेसिकली ब्रॉडली दो ग्रुप में बांटा गया है। जब भी कोई सिग्नल मॉलिक्यूल या हार्मोन्स दो ही फंक्शन करेगा, इनएक्टिव प्रोटीन को इनएक्टिव चैनल्स को एक्टिवेट कर देगा, या क्या करेगा अगर वो बन नहीं रहा है तो उसकी क्या करेगा प्रोटीन सिंथेसिस या बायोसिंथेसिस को प्रमोट करेगा। तो जो भी फंक्शन अब यहाँ पे दोनों काम करता रहता है,
कुछ जगह इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिवेट करता रहता है, कुछ जगह क्या करेगा प्रोटीन सिंथेसिस करते रहेगा, कुछ जगह किसी एंजाइम की बायोसिंथेसिस को प्रमोट करेगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि जब भी कोई टारगेट कोई सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो उसके दो ही उद्देश्य होंगे। सबको क्लियर हो गया बात? अभी देखिए, अब ये देखिए कह रहा है नेगेटिव रेगुलेशन। यहाँ नेगेटिव का मतलब प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर ये अब्सेंस है तो जो भी फैक्टर्स काम करेंगे इसके वर्क को नेगेटिव रूप में प्रेजेंट करेंगे, यानी फ्रूट राइपनिंग ये करता था तो फ्रूट राइपनिंग होने नहीं। क्लियर बात? पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब क्या, अगर ये प्रेजेंट है तो वही काम करेगा जो ये चाहता है। यही बात है, सेल सिग्नलिंग उस तरह चलेगी जिस तरह से क्या हो पॉजिटिव फंक्शन हो, फ्रूट राइपनिंग होने का। ये कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग के बात? अब क्या कहा गया है नेगेटिव रेगुलेशन पहला क्या है इसको देखिए, चार नंबर का ही क्वेश्चन है। एक करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थायलिन रिसेप्टर्स, बहुत टफ है मैम ना, इसी क्वेश्चन खूब आया, चार पांच क्वेश्चन आप देखेंगे सबसे ज्यादा फंक्शन पे क्वेश्चन आया है, उसके बाद से प्रॉपर्टी पे आया है, थायलिन रिसेप्टर में खूब आया हुआ है, फिर आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स है। ये तीन क्वेश्चन से हिट क्वेश्चन के हैं जो बार बार आ रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही ना? तो अभी आप देख लीजिएगा नेगेटिव रेगुलेशन, थायलिन रिसेप्टर हिस्टिडीन काइनेज होता है, काइनेज क्या होता है काइनेज का काम क्या होता है फास्फोराइलेशन करना, फास्फेट का ऐड करना, ठीक है फास्फोराइलेशन करना। हिस्टिडीन क्या है एमाइनो एसिड है ना, ये काइनेज का मतलब कि जो आपका फास्फेट जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा हिस्टिडीन एमाइनो एसिड होता है। आपने पढ़ा होगा मैप काइनेज है ना, सेरीन फ्रियानिन काइनेज, इसका मतलब काइनेज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उस वो किसको फास्फेट ऐड कर रहा है, किसका वो फास्फोराइलेशन कर रहा है, उसी फास्फोराइलेशन के बेस उसका नाम रख दिया गया हिस्टिडीन काइनेज, मतलब फास्फोराइलेशन किसका होगा है ना, सेरीन थ्रियानिन काइनेज, सेरीन क्या है एमाइनो एसिड, उसके ऊपर फास्फेट ऐडशन हो रहा है उसका नाम हो गया सेरीन, थ्रियानिन के ऊपर होता थ्रियानिन काइनेज। सबको समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात? इस बेस पे अभी देखेंगे एक क्वेश्चन इससे और पूछा हुआ था, एस्टिडिन काइनेज के बेस पे पूछता रहता है, तो आपको जैसे एस्टिडिन काइनेज बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले खोजा गया था, इसके बाद तो जो एक बार क्वेश्चन पूछा था फाइटोक्रोम में पूछा था, उससे भी क्वेश्चन जोड़ा हुआ था, तो इससे लिंक करके दिया गया था, तो आपको सेरीन थ्रियानिन काइनेज मोस्टली प्लांट्स के अंदर पाए थे, बट ये हिस्टिडीन काइनेज है, इसीलिए यहाँ पे टू कंपोज सिस्टम किससे मैच कर रहा है बैक्टीरिया से मैच कर रहा है, वहां भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी सेल सिग्नलिंग वाला भी पार्ट बताते जा रहा है, इसलिए ऐड हो गया क्योंकि इसके बिना आपको प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन ऑलरेडी हमेशा इंटीग्रेट कर देता है, वहां पे भी क्वेश्चन आया यहाँ पे क्वेश्चन आया, उसने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि टू कंपोज सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया इस प्रेजेंट, एक बार सेंसर और रिस्पांस रेगुलेटर पूछा था कि टू कंप्यूटर सिस्टम जो बना है किन दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक का सेंसर दूसरा फिर प्लांट मिला के उसको अटैच किया, तो बोला गया इस टू कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन या लाइक दिस प्रेजेंट इन द एथिलीन सेंसिंगरी, तो एथिलीन सेंसिंगरी ऐसा दिख रहा है वैसा ही तो मैच कर रहा, देखिए यही स्टेटमेंट सिमिलर टू द टू कंप्यूटर सिस्टम है, एथिलीन रिसेप्टर इज द सिमिलर टू द टू कंप्यूटर सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे मैं इसको बता देता हूँ। दूसरी पॉइंट देखिएगा, थायलिन रिसेप्टर का पहला पॉइंट ये हो गया, इसके पास जो इसका रिसेप्टर है वो कैसा मैच करेगा बैक्टीरिया के टू कंपोनेंट सिस्टम। अब आपको बैक्टीरिया का टू कंपोनेंट सिस्टम में यहाँ बताता हूँ, फिर सेल सिग्नलिंग में डिटेल बताऊंगा, फिलहाल उसके दो कंपोनेंट को आप जानते हैं। दूसरा लिखा गया प्लेस ऑफ थायलिन रिसेप्टर, प्लेस ऑफ थायलिन का रिसेप्टर जो होता है मैंने पिछले बताया था क्या बताया था ईआर मेम्ब्रेन, ईआर क्यों बताया था मैंने बताया था आपको है कि एक गैसियस हार्मोन से थायलिन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है डिफ्यूज कर जाता है और थायलिन जाके बाइंड कहाँ करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रहेगा ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है फ्यूचर में जरूर आएगा क्योंकि आपको लगेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रहा है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड नहीं करता है, गैसियस हार्मोन्स है। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर की तरह कार्य करता रहता है, ठीक है आपको ये बात जान लेना है, इसका प्लेस हो गया। अब प्रॉपर्टी आप एथिलीन रिसेप्टर ये मैं आपको लिखवाता हूँ, फिलहाल सेंसर और रिस्पांस रेगुलेटर जान लीजिए, बना लिया सिमिलर टू टू कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अदर बैक्टीरिया सेंसर एंड रिस्पांस रेगुलेटर, मैं इसका फिगर बना देता हूँ इसको बनाएंगे आप। सर हिस्टिडीन काइनेज जो लिखे हैं मतलब ये हिस्टिडीन काइनेज जो लिखा गया ना ये लिखा रहा है कि यहाँ पे एथिलीन रिसेप्टर के अंदर जो
रिसेप्टर पाया था ना, उसमें जो फास्फोराइजेशन होगा वो किसका होगा, एमाइनो एक्सन का होगा। क्या अमाइनो नहीं हो सकता है रिसेप्टर की प्रॉपर्टी जी जी, ये देखिए ये एथाइल रिसेप्टर लिखा है, इसका मतलब इथाइल रिसेप्टर में जो पाया जाएगा सेरीन थ्रियानी नहीं है, और पाया हुआ है हिस्टिडीन काइनेज। अब इस पे क्वेश्चन आ गया है, इथाइल रिसेप्टर चार तरह का होता है, ETR फर्स्ट, ETR टू, उन्हीं लिखा हुआ, वो अगला स्टेटमेंट है सिसाई आता है। तो ये बना लीजिए प्रॉपर्टी में लिखवाता हूँ, बन गया सबका प्रॉपर्टी में थोड़ा सा दो पॉइंट और यहाँ जो लिखा है यही दे रहा हूँ साइज। देखिए पहला पॉइंट लिखेगा फोर मेजर टाइप ऑफ रिसेप्टर रिपोर्टेड। अब देखिए जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक प्लांट मॉडल प्लांट कहलाता है जिसका नाम एराबडोसिस है। ये प्लांट जैसे कहा ना मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, प्लांट वैसे देखिए जो प्लांट फिजियोलॉजी के 99% जो एक्सपेरिमेंट किए गए किस पे एराबडोसिस मॉडल प्लांट्स, उसके अंदर ये स्टेटमेंट ऐसे आ गया था, एक स्टेटमेंट दिया इथाइलिन रिसेप्टर इज सिमिलर टू द टू कंपोस्ट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, सही था। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि मोर देन टू टाइप ऑफ द इथाइलिन रिसेप्टर आर रिपोर्टेड, मोर देन टू टाइप, और मैंने बताया कितना, ये स्टेटमेंट भी सही था। मैंने कहा ऐसे ही क्वेश्चन आता रहता है कि फोर टाइप का रिसेप्टर रिपोर्ट किया गया है, किसमें एराबडोसिस, उनके नाम लिखेंगे आप चारों कौन कौन से हैं, यही कहा लिखा है फोर में फाइव, उसमें स्टेटमेंट क्या था मोर देन टू दिया था, और यहां मैंने कितना दिया है ना। अब देखिए ये फाइव मेजर टाइप ऑफ द रिसेप्टर आर रिपोर्टेड, तो फाइव मेजर कौन है, ETR फर्स्ट, ETR टू, ERS फर्स्ट, ERS टू और EIR। रुक कर लिए ये सारे के सारे, अब देखिए स्टेटमेंट क्या आया था, अब वो आपको पकड़ना था मोर देन टू टाइप का, वो भी सही था स्टेटमेंट, बेसिकली यहाँ अब बाई नेम भी पूछ लेता है, तो अगले एग्जाम के तैयार है ना, तो नोट कर लीजिए इसको भी, नोट करने से भी अब ये जितना लिखा ना लिखेगा ऑल आर, ये जितने आल है अभी पांच, ऑल आर निगेटिव रेगुलेटर, निगेटिव रेगुलेटर पॉइंट लिखेंगे, ऑल आर डाइमेरिक, ऑल आर डाइमेरिक, ऑल आर डाइमेरिक फॉर्म बाउंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, ऑल आर डाइमेरिक फॉर्म बाउंड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। और पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉपर ही नेसेसरी फॉर, कॉपर आयन, कॉपर आयन ही नेसेसरी फॉर इज नेसेसरी फॉर, कॉपर आयन इज नेसेसरी फॉर, नेसेसरी फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग एक पॉइंट और ऐड करेंगे, कॉपर आर जिंक कर लीजिए, जिंक भी जरूरी होता है, कॉपर आर जिंक, ओ आर जिंक, जिंक भी कॉपर आर जिंक, जिंक
एक पॉइंट ये रैंक फर्स्ट प्रोटीन इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा हूं? रैंक फर्स्ट प्रोटीन नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिएगा। रैंक फर्स्ट प्रोटीन, रैंक फर्स्ट प्रोटीन, रैंक फर्स्ट प्रोटीन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, इज आल्सो also responsible for, also responsible for assembling of receptors आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, रिसेप्टर का फिगर बना रहा हूं कि मतलब कि जो ये पहली बात तो ये ध्यान रखना है, फाइव मेजर टाइप आप रिपोर्ट किए गए हैं एराबिडोप्सिस के अंदर। मैं नाम बता दिया, ईटीआर फर्स्ट, ईटीआर टू, ईआरएस फर्स्ट, ईआरएस टू, ईआईएन, ऑल आर नेगेटिव रेगुलेटर। इसका मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर ही दिया गया है नेगेटिव, मतलब जब एथाइल नेगेटिव रेगुलेटर, मतलब एथाइल इस पे अगर बाइंड कर रहा है, बाइंड कर रहा है, ये काम करना बंद कर दीजिए, ये इनएक्टिव हो जाएंगे, और एथाइलीन जब नहीं बाइंड करेगा तब क्या होंगे? एक्टिव रहेंगे। मेरी बात है ना? ये क्या है जैसे कि पास इस पॉइंट पर ध्यान रखें, ऑल आर नेगेटिव रेगुलेटर, ये वो काम कर, ये अगर एक्टिव होंगे वो काम करेंगे जो पॉजिटिव नहीं होगा। नेगेटिव कौन सा काम करेंगे? फूड राइपनिंग को रोक देना। वो समझ मेरी बात आ रही है कि नहीं? इसे नेगेटिव रेगुलेटर देखिए लिखा गया है, ऑल आर डाइमेरिक फॉर्म। ये क्या होता है? इसकी दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहती है, डाइमेरिक फॉर्म रहती है, और उनके बीच में बाइंडिंग कौन होती है? और कॉपर आयन और जिंक आयन की जरूरी है जब इस पे कोई चीज बाइंड करता है असेंबलिंग के लिए। और रैंक प्रोटीन, रैंक फर्स्ट प्रोटीन क्या होती है? ये डीटीपीएस का पार्ट है, आगे पढ़ाऊंगा, जीपीसीआर जो पढ़ाऊंगा ना वहां पे मिलता है। ये क्या करता है? ये भी असेंबलिंग करता रहता है। तो इन कंपोनेंट को आप जानते रहिए, सेल सिग्नलिंग में भी आगे आपको बताऊंगा रैंक वन क्या होता है, रैंक टू क्या होता है, उसके फंक्शन बताऊंगा, ठीक ना। फिलहाल आपके जान लेना है किसकी प्रॉपर्टी, और इस पे दो बार क्वेश्चन आए स्टेटमेंट बेस को लेके कि क्या एथाइलीन रिसेप्टर कितने तरह का पाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सुना ना, कहाँ बाइंड करता है, ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले में ही डाल दिया जो एग्जाम में आए हैं। आप जाके तेजेंद्र किताब पढ़िए, सब लिखा हुआ स्टेटमेंट करके उस किताब को ही देखिए, सब पूरा इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ, वहाँ पॉजिटिव निगेटिव आपको समझ में नहीं आता उस किताब को। फिलहाल यहाँ कोई मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, ब्रेक कर देंगे आपको कि प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस तरह का नेचर, ये भी इसके फ्यूचर्स आया में, ये भी आया हुआ है, ये चार हुआ है, ऐसे दो दो क्वेश्चन समझा रही बात। फिलहाल चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम की, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये बन गया सबका। अब ये पॉइंट आपको आएंगे, देखिए क्या है टू कंपोनेंट सिस्टम बैक्टीरिया जो बनाता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेंसर, एक होता है सेंसर हिस्टिडिन काइनेज, दूसरा होता है रिस्पांस रिफ्लेक्स में रिस्पांस। जब टू कंपोनेंट सिस्टम को बनाया गया तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है इनपुट डिवाइस, ये देखिए इनपुट डिवाइस, और ये कैसा आपका है, ये हिस्टिडिन काइनेज, ये वाला पोर्ट देखिए डाइमेरिक फॉर्म है कि नहीं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने आपको बनाया, ठीक ना। इन्हीं के बीच क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग रहती है, कॉपर आयन की जरूरत पड़ती रहती है इसको एक्टिवेट करने के लिए। अभी मेम्ब्रेन आपको दिखेगा बना हुआ ऐसे पैरेलल करके। फिलहाल आप ये देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये सेंसर है, सेंसर कौन है, हिस्टिडिन काइनेज। मैंने कहा कि जब काइनेज जुड़ा हुआ है इसका मतलब यहाँ फास्फोराइलेशन किसका होगा, हिस्टिडिन, यहाँ फास्फोराइलेशन किसका हुआ है, हिस्टिडिन। जैसे ना जब देखिए बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा पढ़ा होगा ये चीजें, बैक्टीरिया क्या करता है, फ्लैजला मूवमेंट करता है ना, अगर कोई चीज अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है रिपेलेंट, कि कुछ केमिकल को देख के बैक्टीरिया दूर भागना चाहता है ना, हाई टेम्परेचर कर दिए दूर भागने लगेगा, केमिकल ऐसा दीजिए टॉक्सिक हो तो बैक्टीरिया वहां क्या होता है, ठीक है ना। और वही कुछ आप देखिए उसको क्या दिए, भोजन दीजिए खाने वाला, तो उधर क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसका फ्लैजला जो होता है बेसिकली क्या होता है, जब बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो फ्लैजला जहां अटैच होता है मेम्ब्रेन से, उसकी मेम्ब्रेन होती है ना वहां से अटैच होता है, वहीं पे ये पाया जाता है टू कंपोनेंट सिस्टम। और जैसे केमिकल का सेंस मिलता है पॉजिटिव वाइब्रेशन करना है कि नेगेटिव, तो जो एक्टिव जो पहले बाइंड करता है, जो सेंस को पहचानता है, उसी का नाम रखा गया है सेंस।
और उसी के कार्डियो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है कि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है। अगर केमिकल खाने वाला चीज है तो मूवमेंट आगे करना है, नहीं बात समझ आ रही है। तो क्या करता है, उसी की जैसा सेंसर मिलता है उसी को वरना वो रिस्पॉन्स अंदर देता है। बोला ना, ये देखिए इनपुट है, ये इनपुट है और ये क्या है, ये दोनों से मेमोरी में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। इधर से कोई मैसेज आया इनपुट डिवाइस की तरफ आया, उसी का केमिकल का है ना, कोई भी कंपाउंड का मैसेज आया और तो सबसे पहले मैसेज किसके पास जाएगा, सेंसर के पास। समझ गया ना, ये सेंसर है, सेंसर हिस्ट्री निकाले है और इसमें सबसे पहले फास्फोराइलेशन होता है हिस्टिडीन काइनेज, यानी काइनेज का फास्फोराइलेशन कर रहा है हिस्टिडीन का, यहाँ पे हिस्टिडीन काइनेज। और ये उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, फास्फेट ट्रांसफर करता है, यानी फास्फेट को ट्रांसफर कर देता है किसके ऊपर, रिस्पांस रेगुलेटर। आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में, दो, एक होता है फास्फेटेज और दूसरा क्या होता है काइनेज। काइनेज हमेशा क्या करेगा, फास्फोराइलेशन करेगा, जिसके द्वारा इनएक्टिव कंपाउंड क्या कहते हैं, एक्टिव। और दूसरा क्या करता है, डीफास्फोराइलेशन करता है, फास्फेटेज क्या करता है, फास्फेट को हटाता है, तो क्या करता है, कंपाउंड को इनएक्टिव। बट ये प्रॉपर देखिए, कहते हैं कि कभी कभी फास्फोराइलेशन से एक्टिवेशन भी होता है, फास्फोराइलेशन से क्या होता है, डी एक्टिवेशन। दीज आर नॉट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ये डिपेंड करेगा कंपाउंड का नेचर कैसा है। बट 80% जो रूलिंग ये कहता है कि फास्फोराइलेशन हमेशा क्या करता है, कंपाउंड को एक्टिवेट करता है। फिजियोलॉजी देखा हो, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे पूरी फिजियोलॉजी है, आप वहां बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे फास्फोराइलेशन हुआ तो कंपाउंड क्या हुआ, एक्टिव। इसका फास्फोराइलेशन हुआ तो सेंसर एक्टिव हुआ था, पहले सेंसर ने फास्फेट ट्रांसफर कर दिया, फास्फेट को कहां ट्रांसफर कर दिया, एस्पार्टिक एसिड, तो रिस्पांस रेगुलेटर एक्टिव हुआ, ये रिस्पांस है। और ये कौन है, बाहर से मैसेज मिला कि ये चीज क्या है, इसी के अगेंस्ट, इसी के रिस्पेक्ट हमको आगे बढ़ना है, आगे भोजन है उधर आगे बढ़ेगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा और पता चला कि ये क्या रिप्लेंट है तो बैक जाना होगा, तो मैसेज अंदर क्या देगा, बैक मूवमेंट का देगा। ये बात समझ आ रही है, आपने लिखा होगा डंपलिंग, वो मूवमेंट करता रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है, बैक्टीरिया कई है, फ्लैजेला कई तरीके का होता है, तो जैसा भी फ्लैजेला होगा मूवमेंट तो करेगा ही करेगा, मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं। अब पहले सेंसर सेंस को लेता है कि किस तरह का रिस्पांस हमको पीछे अंदर की तरफ भेजना है, पता चला कि अंदर की तरफ इसने सेंसर भेजा और इसे सेंस लिया और उसमें फास्ट, पहले तो ये एक्टिव होगा सेंसर, सेंसर कैसे एक्टिव होगा, जब इसका क्या हुआ फास्फोराइलेशन और इसने क्या किया फास्फेट को ट्रांसफर किया, फास्फेट ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किस हो गया, रिस्पांस। तो पहला कंपोनेंट सेंसर हो गया, दूसरा कंपोनेंट कौन हो गया, रिस्पांस। इसलिए इसको कहा गया टू कंपोनेंट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, एक सेंसर होता है दूसरा क्या होता है, रिस्पांस। सेंसर ने कुछ लाया, टू कंपोनेंट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, पहला दिया था सेंसर, दूसरा दिया था रिस्पांस रेगुलेटर, तीसरा दिया सेंसर एंड रिस्पांस रेगुलेटर, समझा, तो कौन सा हुआ, सेंसर एंड रिस्पांस रेगुलेटर। ये इनपुट डिवाइस है, ये क्या है, ये अंदर की तरफ मैसेज जाएगा, इधर से क्या होगा, मैसेज से जुड़ेगा। ये बैक्टीरिया का सिंपल मैंने आपको बताया है, उसके अंदर टू कंपोनेंट सिस्टम कैसे काम करता है, इसी से जुड़ जाता है क्योरम सेंसिंग का नाम सुना होगा, है ना, क्योरम सेंसिंग बैक्टीरिया के अंदर कैसे लोकोमोशन होता है वो जुड़ा हुआ है, तो आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ाता है, तो आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन दो आया हुआ है कि एथिलीन रिसेप्टर इज सिमिलर टू द टू कंपोनेंट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, तो सही है कि नहीं, वैसा ही मैच कर रहा है जैसा है, और बैक्टीरिया का टू कंपोनेंट सिस्टम इससे बना होता है सेंसर ऑफ रिस्पांस। ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं, बना लीजिए इसको फिगर को। अब देखिए चीज और समझना है, जो आपका अब देखिए ये इनपुट डिवाइस है, अगर आप देखें ना किताब में अगर पढ़ें माइक्रोबायोलॉजी की जो किताब स्कॉट की पढ़ें वहां पे ऐसे डायग्राम बना हुआ है। अब ये आउटपुट, मैंने कहा कि जैसे इंफॉर्मेशन अंदर मिली सेंसर के द्वारा, सेंसर ने किसको एक्टिवेट कर दिया, रिस्पांस रेगुलेटर, आगे क्या करेगा, अब इसके पास दो है, किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा, किसी इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, जिसके द्वारा दो काम कर सकता है, या कोई केमिकल उसको बनाना है, कोई केमिकल बनाना होगा तो किसको एक्टिव करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर किसी को नहीं, किसी इनएक्टिव प्रोटीन को बनाना होगा तो किसी सेकेंडरी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, ऐसे प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा जो उसको एक्टिवेट कर देगा, मान लीजिए किसी पंप को एक्टिवेट करना है, पता चला उसके अंदर आयन को चेंज करना है, कैल्शियम आयन हुआ, पोटेशियम आयन हुआ, सोडियम आयन हुआ, कोई भी परिवर्तन, या पंप हो या कोई इनएक्टिव प्रोटीन हो, यहाँ मैंने बस एक एरो निकाल दिया, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर।
जो आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव होगा इसी प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या क्या होता है। डायमेरिक फॉर्म में प्रॉपर्टी में दिया है, ऐसी बैक्टीरिया का होता है वैसे ही एथाइलीन का होता है। चूंकि देखिए सबसे पहले जो अब चूंकि वो पार्ट नहीं पढ़ाता सेल सिग्नलिंग का, जब सेल सिग्नलिंग की शुरुआत हुई तो आपने एक पढ़ा होगा जरा क्लेमाइटोमोनास जहाँ से इसका दो न्यूरो मोटर ऑपरेटर्स जुड़े थे, फ्लैजेला से जुड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो सेंसिटिविटी पाता था। यही डायग्राम सबसे अच्छा बनता था, इसी फर्स्ट ईयर में थे तो बढ़िया से चुन चुन के बनाते थे, इसी का नंबर एलजी का आ गया लाइफ साइकिल के बाद मास को बना। तो ये न्यूरो ऑपरेटर में जुड़ा हुआ था तो एकदम सब चीज सिंगल सेल है, और आज हम सेल सिग्नलिंग मल्टी सेल तक की बात करते हैं। हमारी बॉडी देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, मल्टी ऑर्गेनिज्म हम लोग। सबसे सिंपलेस्ट सेल जो आपकी क्लेमाइडोमोनास है उसमें भी सेल सिग्नलिंग पाई जाती थी, तब हमको पता नहीं था, तब हमको लगता था कि कुछ हो रहा है, ऐसा फ्लैजेला बीटिंग कर रहा है ना। देखिए सिंगल सेल है, और आज हम बात करते हैं जीपीसीआर की बात करते हैं। हमारी बॉडी का 80% जो सेल सिग्नलिंग चलता है वो जीपीसीआर से करता है, सबसे कॉम्प्लेक्स है ना, 80% रेगुलेट करता है। और भी सोचिए मल्टी सेलर में और सिंगल सेल में भी चलता था टू कंट्रोल सिस्टम, इसलिए कहते हैं कि जो बैक्टीरिया था वो कैरियर था, और हम लोग कैसे हैं, ये प्लांट कैसा है, यूकेरियोट एथाइलीन में। तो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल सिग्नलिंग स्टार्ट की गई थी वो कैसी की थी, टू कंपोनेंट सिस्टम। लेकिन सिंगल सेल में पाया भी जाता है, जब हम एडवांस फॉर्म इसको देखेंगे यही आगे डेवलप करते गया, वैसा टू कंपोनेंट सिस्टम जो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता जब हमने प्लांट के अंदर स्टडी किया गया हार में, तो देखा एथाइलीन के अंदर हो गया। एथाइलीन का जो सिग्नलिंग सिस्टम था, जो रिसेप्टर था, कुछ वैसा ही मैच कर रहा था किससे, कि ये किससे मैच कर रहा है, ये प्रोकैरियोट से, दूसरा कौन है, यूकेरियोट। इसके बाद आगे आप देखेंगे ना ये हाइब्रिड सेंसर हो जाएगा, जस्ट अगला क्वेश्चन से सही में आएगा हाइब्रिड सेंसर। तो हाइब्रिड सेंसर जो होता है, हाइब्रिड हिस्टिडीन सेंसर काइनेज जो आता है वो अगला हार्मोन से साइटोकाइनिन मिलेगा। अगर एथाइलीन ना दिया हो ऑप्शन में, पूछे टू कंपोनेंट सिस्टम या सिमिलर टू द बैक्टीरिया टू कंपोनेंट सिस्टम आर प्रेजेंट इन विच हार्मोन्स, तो अगर एथाइलीन नहीं दिया है तो अगला ऑप्शन कौन है, साइटो। इसी का थोड़ा सा एडवांस पार्ट, दोनों क्वेश्चन आ चुका है। जब एथाइलीन नहीं दिया था तो लोगों को ढूंढना पड़ा साइटोकाइन, तो जब उसका पढ़ाऊंगा इसी का एडवांस फॉर्म लिखेगा, ये दोनों बीच में एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, उसे कहें हाइब्रिड। मेरी बात समझ आई ना, आपको ये बात समझ आएगा तो कंपोनेंट सिस्टम है क्या, इनमें इनपुट डिवाइस क्या है, सेंसर हिस्टिडीन काइनेज में जो अमाइनो एसिड कौन है, हिस्टिडीन है, फास्फोराइलेशन किसके द्वारा हो रहा है, काइनेज के द्वारा, फास्फेट ट्रांसफर काम कर रहा है, यहाँ डी फॉर रिपेयरिंग करता है एस्पार्टिक एसिड है ना। और इसके बाद आपको पता अगर सिलसिले में पढ़ा रहता ना ये पहले आसान हो जाता है, बट क्योंकि पहले हार्मोन स्टार्ट कर दिया, सिलसिले स्टार्ट नहीं किया हो तो आपको बार बार चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर देखिए पहले इस पे एक्शन होगा, ये एक्टिव होगा, इसको एक्टिवेट करेगा, ये क्या करेगा, इसको फास्फोराइल करेगा, और ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, आगे जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा। तुम्हारी बात मत, अब जो चूंकि ईटीआर फर्स्ट, ईटीआर टू, ईआरएस फर्स्ट, ईआरएस टू, ईआर, सबके पास जो प्रॉपर्टी है ना वो कैसी है, इस तरह सबके सब डायमेरिक फॉर्म है, सबको डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से जुड़ी है, कॉपर आयन की जरूरत पड़ती है, रैंक प्रोटीन है इसके एक्टिवेशन के लिए जरूरत पड़ती है, ये प्रॉपर्टी पूछा हुआ है, ठीक ना, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको बना लिया सबने, चलिए दो तीन क्वेश्चन आपके थोड़ा निकल के आएगा। एक तो थ्री सेक्टर में पहला चार नंबर का जो है निगेटिव रेगुलेशन है कि पॉजिटिव, तो दोनों कर सकते हैं। अब पूछता है एथिलीन बाइंडिंग प्रमोट द निगेटिव रेगुलेशन आप पॉजिटिव रेगुलेशन, एथिलीन बाइंडिंग क्या प्रमोट करेगी, पॉजिटिव, तो वो बाइंड करेगा ना। यहाँ पे मैंने एक रूलिंग बता दिया है कि एथाइलीन बाइंड किया करेगा रिसेप्टर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होगा, बेसिकली क्या होता है, एक्टिव होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं सर,
देखिए आप लोग समझ आ रहा कि नहीं ये बात। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सब आपको देखिए पेपर साफ करेगा, सब आपके सामने हो गए। पहला टू कंपोनेंट सिस्टम क्या है, टू कंपोनेंट सिस्टम कैसा है, किससे मैच करता है बैक्टीरिया का इथाइलिन, इथाइलिन नहीं रहेगा क्या लगाएंगे साइटो। अगला पढ़ाऊंगा देखिएगा उसमें सब इस लगाऊंगा हाइब्रिड सेंसर वहां पाया था ठीक है। और प्रॉपर्टी इधर लिख दिया, एक स्टेटमेंट आया था कि कितने तरीके का मोर देन टू लिखा था, यहाँ कितना बता दिया ये भी स्टेटमेंट सही था। यही स्टेटमेंट टफ हो जाता है जब सिंपल सा पूछता है ना टू कंपोनेंट सिस्टम से मैच करा लेते हैं, जब वो चार स्टेटमेंट देता है बोलता ए सही बी सही ए बी सी सही ऑल ऑफ द अबव, जब ऑल ऑफ द अबव डाल देता है सबसे कठिन क्वेश्चन आता है, समझ काम नहीं आता है जाया नहीं। अच्छा पहले जितना आता है उतना तो लिख देता है, पहले ही लिख देगा धारे चैप्टर बीस बीस पूरी कहानी लिख देगा ठीक है, फिर बाद में पूछेगा कौन सही कौन गलत, तो उसमें भी ऑप्शन बनाएगा भाई एक बताएगा फिर एक दो बताएगा फिर ऑल ऑफ द अबव, जब ऑल ऑफ द अबव आता है सबसे टफ क्वेश्चन, पर एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया तो आप डाउट कर लगाऊं कि इसलिए आर आप ड्राइवर देखे और सी सेक्शन सबसे टफ बनता है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर पॉइंट को आपको क्लियर कट होना चाहिए। इसीलिए मैं बाबा का तो पेपर जरूर लगाइए, जो मेरी प्रीवियस बुक मैंने सवाल करके दिया है उन क्वेश्चन को लगाइए। अपडेट बुक अब आने ही वाली है, पिछली बार का अपडेट हो गया तो इस बार का पेपर हो गया, अब इसके भी चार पेपर इस बार हो गए हैं, चारों को बनाना है, अगर किया बना के दूं। फिलहाल आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से है, अभी जो चार पांच क्वेश्चन आया ना सब सामने का, अब देखिएगा जो सबसे फिफ्थ मैकेनिज्म एक्शन था ना सर, अब उसमें एक पॉइंट और बचा सीटीआर, अभी इनका कहेंगे याद आता हूँ अब ये आता हूँ, अब इसकी मैकेनिज्म में मैं आता हूँ, ये पॉइंट हो गया आगे बस और लोग लिखेंगे हम लोग।